मंगलवार के दिन जब 18वीं लोकसभा के सदन में नए सांसदों का शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था, इसी दौरान शपथ लेने के लिए AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी आए। मैं असदुद्दीन ओवैसी, जिसे लोकसभा का रुकन मुंतखब किया गया है, अल्लाह के नाम से हलफ उठाता हूँ। लेकिन शपथ के दौरान उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया जिस पर सियासी घमासान मच गया। जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, तकबीर अल्लाह अकबर। जय भीम, जय मीम और जय तेलंगाना तक तो ठीक था, लेकिन जैसे ही असदुद्दीन ओवैसी ने जय फिलिस्तीन बोला तो सदन में मौजूद बीजेपी सांसदों की त्योरियां चढ़ गईं। बीजेपी सांसदों ने हंगामा कर दिया और प्रोटेम स्पीकर से तत्काल ओवैसी के बयान को रिकॉर्ड से हटाने की मांग की। भारत में रहकर भारत के संविधान में भारत को जय नहीं बोलते, मगर पालिस्तीना को जय बोलना, ये आज देश में कॉन्स्टिट्यूशन के नाम पर एंटी कॉन्स्टिट्यूशन का काम कर रहे हैं। वैसे वो कहना चाहूंगा, भारत माता की जय बोलने में तुझे क्यों शर्म आती है भाई? जिस देश में खाता है, जिस देश में पीता है, भारत देश में राजनीति भी करता है, और भारत माता की जय बोलने में शर्म आती है? जो आज फिलिस्तीन के कई ऐसे लोग है जो बंदूक उठाकर अपने आप की रक्षा कर रहे हैं, तो वैसे तुम भी चले जाओ ना फिलिस्तीन, बंदूक उठा लो, दम अगर है तो। ओवैसी सदन से बाहर निकले तो मीडिया कर्मियों ने पूछा, आपने ऐसा क्यों कहा? तो इस पर ओवैसी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बयान का हवाला दे दिया। जिन्होंने क्या क्या कहा नहीं कहा तो सब आपके सामने है, सब बोल रहे हैं, क्या क्या नहीं बोल रहे हैं। हम क्या बोले, हम जय भीम, जय जय तेलंगाना, जय। तो उन्होंने फिलिस्तीन पे ऑब्जेक्शन उठाया है बीजेपी, कैसा खिलाफ है, कैसा खिलाफ है बताओ, कौन सा संविधान का प्रोविजन है? ये बोलने के उद्देश्य क्या था? उद्देश्य क्या है? मजलूम आवाम है। महात्मा गांधी ने फिलिस्तीन के बारे में क्या कहा था वो पढ़ लीजिए। इधर विपक्ष ने असदुद्दीन ओवैसी के बयान से किनारा किया और बयान को निजी बता दिया। असदुद्दीन ओवैसी 5वीं बार चुनाव जीतकर संसद पहुंचे हैं। ओवैसी ने हैदराबाद लोकसभा सीट से लगातार 5वीं बार जीत दर्ज की। ओवैसी को इस बार कुल 6,61,981 वोट मिले और उन्होंने बीजेपी की माधवी लता को 3,38,87 वोटों से मात दी। इससे पहले 2019 के चुनाव में ओवैसी ने कुल 58.95% वोट शेयर के साथ जीत दर्ज की थी। हालांकि ओवैसी इकलौते ऐसे नेता नहीं, बीजेपी के एक सांसद ने भी सदन में लोकतंत्र की मर्यादा को तार तार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित। गाजियाबाद से बीजेपी सांसद अतुल गर्ग ने अपनी शपथ के बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय और हेगड़ेवार का नाम लिया, जिस पर विपक्षी नेताओं ने हंगामा किया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिंदाबाद, दीनदयाल उपाध्याय जिंदाबाद, अटल बिहारी वाजपेयी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। इससे पहले भी कई बार सार्वजनिक मंच से ओवैसी फिलिस्तीन के समर्थन में विवादित बयान दे चुके हैं, लेकिन इस बार विवाद लंबा खिंच सकता है, जिसे बीजेपी हर एंगल से भुनाने की कोशिश करेगी।